गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था भाई, क्या कि तुम्हारा क्या चल रहा था चैप्टर? प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, जिसमें फर्स्ट हमारी ए हो गई थी, फर्स्ट बी हो गई थी, और फर्स्ट अब से स्टार्ट करते हैं जहाँ तुम्हारा अब आता है कि समघात अवकल समीकरण को हल करना। कि समघात अवकल समीकरण किस प्रकार से हल करते हैं? हमारे पास कोई है ना, प्रथम कोटि की समीकरण क्या दी होगी कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई, इस प्रकार की कोई समीकरण दी हुई है। प्रथम कोटि की अवकल समीकरण दी हुई है, तो उसको हल करने के लिए क्या, देखो यहाँ जहाँ एफ एक्स वाई समघात फलन है, समघात का फलन क्या है कि हमारे पास x और y की घात क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। भाई एक घात है तो एक, या दो है तो दो, इस प्रकार की घातें होनी चाहिए। तो हमारा क्या होगा समघात फलन, उसको हल करने का तरीका क्या कि dy वाई अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n f y x अपॉन y, इस प्रकार का कोई हमारे फंक्शन बनाए कि हमें हमारे पास क्या रख लें, हम x अपॉन y, जिससे क्या रखा जाए कि v रख सकते हो। तो हमारे पास y बराबर क्या वी एक्स, मतलब वाई की जगह हम क्या रखें वी एक्स, जहाँ से हम एक्स को क्या निकाल लें बाहर, तो हमारा फंक्शन किस में बन जाएगा, वो वी के साथ बन जाएगा। यहाँ हम वाई बराबर वी एक्स रख रहे हैं, हम एक्स बराबर वी वाई भी रख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकाला था हमने डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई वी प्लस क्या हो जाएगा, देखो वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वी और वाई डी वी अपॉन डी वाई, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। तो हमने क्या निकाला था, देखो ये v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स था, जब क्या था हमारे, हम क्या रख रहे थे y बराबर वी एक्स, यदि हम x बराबर क्या रखें वी वाई, तो हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई बनेगा, और यहाँ y बराबर वी एक्स रख रहे हैं तो क्या बन रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स बन रहा है। ये एफ एक्स अपॉन वाई का मतलब क्या है, यहाँ से हम क्या ले रहे हैं x की पावर में जो भी होगा उसको क्या निकालेंगे बाहर। एग्जांपल के तौर पे देखना कि हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, देखना कि हम क्या करें, हमें क्या बनाना है डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में बना लेते हैं। तो पहले इसको बराबर से उधर लिख लो डी एक्स स्क्वायर y माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बराबर, बराबर तो जीरो नहीं आया क्यों, हमने बराबर से इसे ले लिया है, ठीक है। हमें बनाना किसकी फॉर्म में है, डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में बना लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। ये इधर गया इसके बटे में, तो ये इधर आएगा इसके बटे में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। जब हमारे पास क्या डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में बनेगा, तो हम क्या रखेंगे वाई बराबर वी एक्स, क्या रखेंगे वाई बराबर वी एक्स। एक बार के लिए देख लेते हैं कि हमारे पास ये समघात अवकल समीकरण है या नहीं है। देखो ऊपर कितनी है, दो एक तीन, ये भी कितनी है दो एक तीन, ये भी तीन और ये भी तीन, मतलब पूरे फंक्शन की पावर क्या है, देखो इसमें भी ये समघात, यहाँ से इसकी पावर भी तीन, इस एक्स वाई की भी पावर तीन और इस एक्स वाई की पावर तीन, तो ये क्या हो गया हमारी समघात अवकल समीकरण। जब हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में है, तो वाई बराबर हमें क्या रखना है वी एक्स, और यदि हमें इसे डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में बनाएं, तो एक्स बराबर क्या रखना है वी वाई। हम रख लेते हैं कि वाई बराबर वी एक्स रखने पर, ठीक है, तो क्या जब y बराबर क्या रखोगे वी एक्स, यहाँ से एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं कि हमारे पास dy वाई अपॉन डी एक्स क्या बनेगा, ये v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है भाई। इस वक्त कैसे कर लिया, u इंटू v के साथ किया, v का एज डिज रखा, x का x के साथ किया कितना आया वन, प्लस x को एज डिज रखा, v का x के साथ किया तो कितना है डी वी अपॉन डी एक्स, ये आ गया हमारे पास dy वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ देखना। अब इसमें देखो कि हम क्या रखने वाले हैं कि वाई की जगह वी एक्स, एक बार इसमें रखते हैं वाई की जगह वी एक्स एक्स स्क्वायर वी एक्स माइनस टू एक्स वी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वी एक्स। y की जगह पर हमने क्या लिखा है वी एक्स, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा वी एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब वी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स क्यूब वी, ठीक है।
अब इसमें से पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से भी एक्स क्यू और नीचे से भी क्या आ रहा है कॉमन, एक्स क्यू। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ से भी एक्स क्यू कॉमन लिया तो क्या बनेगा, वी माइनस टू वी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब वन माइनस थ्री वी। ठीक है, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब मतलब जो हमारे पास एक्स की पावर एन एफ क्या बन रहा था, एक्स अपॉन वाई, उसी प्रकार का हमारा फंक्शन बना यहाँ पर क्या कि एक्स क्यूब हमने क्या निकाल लिया दोनों भाई ऊपर नीचे से क्या निकाल लिया, कॉमन था तो बाहर निकाल लिया और कट गया। डी वाई अपॉन डी एक्स की क्या जगह यहाँ क्या रख लेंगे हम, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, तो वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वी माइनस टू वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस थ्री वी। ठीक है, ये उतारो एक बार फिर ये उतारना और इसको आगे सोल्व करते हैं, उतारो एक बार। आगे देखो भाई इसे कि v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स कहाँ से आया, हमने डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, हम क्या लेके चल रहे हैं, v वाई बराबर वी एक्स वाई की जगह क्या रख रहे हैं, वी एक्स रख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्यों रख क्यों रहे हैं कि हमारे पास x से x कट जाएगा और किस में बनेगा फंक्शन, एक v के साथ फंक्शन बनेगा। ठीक है, ये v कहाँ जाएगा, इस v के साथ इन v वाली फॉर्म के साथ ले लेते हैं इसको, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v माइनस टू वी स्क्वायर वन माइनस थ्री वी माइनस वी। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ये हमारे पास एलसीएम आएगा वन माइनस थ्री वी वी माइनस टू वी स्क्वायर माइनस वी प्लस थ्री वी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और वी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, नीचे बच रहा है हमारे पास वन माइनस थ्री वी, ये वी से वी कैंसिल हुआ, यहाँ कितना बचेगा ओनली हमारे पास वी स्क्वायर। ठीक है, देख माइनस टू वी स्क्वायर प्लस का वी थ्री वी स्क्वायर, हमारे पास बचेगा ओनली वी स्क्वायर। इस वाले टर्म को यहाँ लेते हैं, ठीक है, एक्स वाले एक साथ और v वाले पद एक साथ लेते हैं, तो यहाँ तो हमारे पास v बच रहा है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर आएगा वन माइनस थ्री वी अपॉन वी स्क्वायर, और ये डी वी बराबर हो जाएगा, ये डी एक्स इधर जाएगा ऊपर और ये x नीचे आएगा। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, यदि अलग अलग लिखना चाहें, वन अपॉन वी स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन वी डी वी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स। ये हमारे पास आ चुका है जो हमारे पास समीकरण थी अवकल समीकरण, इसको हमने क्या किया, y बराबर वी एक्स रख के हल किया, जो हमारे पास क्या थी समघात अवकल समीकरण थी उसको हमने क्या किया यहाँ तक कर लिया। अब इसका क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या लगाओ, इंटीग्रेशन वन अपॉन वी स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन वी डी वी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, वन अपॉन वी स्क्वायर का क्या होगा भाई, वन अपॉन वी स्क्वायर का क्या होगा, यदि हम पावर को ऊपर लेके जाएं तो किसका हो जाएगा, वी की पावर माइनस टू भाई, वी की पावर माइनस टू, और करते कैसे हैं हम इसका भाई समाकलन, कि हमारे पास पावर हो किसी भी एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एन प्लस यहाँ होता है ना, एक्स की पावर एन है तो इसका कैसे करेंगे, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यदि माइनस टू ऊपर हो जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का वन अपॉन वी आएगा, माइनस वन अपॉन वी माइनस थ्री लॉग वी बराबर लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हमारे पास देखना है कि वी बराबर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ से जो हमने लिया है भाई हमारे पास क्या है, हमने y बराबर वी एक्स रखा है, तो v बराबर क्या लिख सकते हैं, y अपॉन x, v बराबर क्या लिख सकते हैं हम, y अपॉन x, तो v की जगह क्या लिख लो यहाँ, y अपॉन x, तो माइनस वन अपॉन y अपॉन x माइनस थ्री log y अपॉन x बराबर log x प्लस सी। ठीक है, आगे देखना, ये x कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा कि माइनस तो है ही x अपॉन y माइनस थ्री लॉग
वाई अपॉन एक्स और बराबर लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक इसे सॉल्व करते हो ये भी सही है, और इसे यदि माइनस वगैरह का चिन्ह लेने के साथ में लेके जाओ, लॉग के साथ लॉग वाली ले लो, तो ये भी सही है यहाँ तक। तो ठीक है, तो उतारो एक बार, करते हैं अगला सवाल। मैं देखना अगला एग्जांपल नंबर 4 क्या दिया हुआ है तुम्हारा। एक्स कोस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस कोस वाई अपॉन एक्स एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। ठीक है, तो हमें क्या एक बार तो करते हैं इसको कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर निकालते हैं कि ये वाला फंक्शन इसके साथ है, इसको बराबर से तुम उधर लेके जाओगे, जीरो जीरो है बराबर उधर लेके जाओगे, तो मैं जीरो इसमें हटा देता हूँ, बराबर इसको लिख देता हूँ, बराबर हो गया इसके। ठीक है, तो ये वाला पद कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा, तो मैं लिख रहा हूँ एक्स कोस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स ये वाई। क्या आएगा यहाँ से कि वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कोस वाई अपॉन एक्स ये इंटू में एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास पद क्या बन रहे हैं, वाई अपॉन एक्स इस प्रकार के बन रहे हैं। ठीक है, ये क्या है एक्स वाई अपॉन एक्स। यदि हम क्या रख लें भाई, समघात तो होगा ही, देखो इसकी पावर वन, इसकी पावर वन, इनकी भी पावर वन वन है। ठीक है, सभी की, तो ठीक है क्या लिख सकते हो कि वाई अपॉन एक्स बराबर वी रखें तो हमारे पास वाई बराबर क्या हो जाएगा वी एक्स रखने पर। ठीक है, अब यदि इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे वाई डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये वाला लिखेंगे हम किसकी जगह डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो जहाँ वाई अपॉन एक्स है उसकी जगह पे क्या लिख लेते हैं वी, जहाँ वाई अपॉन एक्स है उसकी जगह पे क्या लिख लेते हैं वी, और वाई की जगह पे क्या लिख लेंगे हम वी एक्स। ठीक है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे हम क्या लिख लें वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर यहाँ एक्स ये हो जाएगा कोस वी प्लस वी एक्स ये हो जाएगा भाई वाई की जगह क्या रख रहे हैं वी एक्स साइन वी अपॉन, देखना इसकी जगह क्या लिख सकते हैं वी एक्स साइन वी प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस ये एक्स कॉस वी, ये क्या है हमारे पास वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं वी। ठीक है, जहां हमारे पास ये एक्स है भाई, ये x इसमें से कॉमन निकाल लो, जहाँ जहाँ इसमें से x आ रहा है इसमें से भी x कॉमन आ रहा है, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर इसमें से x कॉमन निकाला हमारे पास बचा cos v प्लस वी साइन वी अपॉन, इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा v साइन v माइनस cos v और ये v। तो यहाँ x से x कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास ये बच गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, हमारे पास इस प्रकार से फंक्शन बचा कि v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये बच रहा है कि cos v प्लस वी साइन वी और ये इंटू में हमारे का चल रहा है v अपॉन v साइन v माइनस cos v। इस v को इसके साथ ले लो v वाले फंक्शन के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से है एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो कॉस वी प्लस वी साइन वी वी साइन वी ये वी चल ही रहा है, देखो कॉस वी प्लस वी साइन वी और ये वी वी साइन वी साइन वी माइनस कॉस वी माइनस का वी। माइनस वी कहाँ से आया, इस वी को कहाँ लेके चले गए हम उधर लेके चले। अब एलसीएम लोगे इसका तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर इसका एलसीएम लोगे वी साइन वी माइनस कॉस वी, ये तो एज इट इज रहेगा कॉस वी प्लस वी साइन वी। ठीक है, ये इंटू वी चल ही रहा है,
इस वी का इस वी के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, वी स्क्वायर। इस वी का भी मल्टीप्लाई कर लो भाई अंदर, है ना, ये वी और ये वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ कितना आएगा, देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वी स्क्वायर साइन वी प्लस वी कॉस वी, ठीक है, वी कॉस वी, वी स्क्वायर साइन वी, वी स्क्वायर साइन वी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस माइनस के, हमारे पास कितना हो जाएगा 2v cos v। तो x dv अपॉन dx बराबर 2v cos v अपॉन v साइन v माइनस cos v, ठीक है, यहाँ तक हो गया। v वाले पद एक साथ ले लो और x वाले पद एक साथ ले लो, ठीक है। तो देखना ये v साइन वी माइनस कॉस वी अपॉन वी कॉस वी, टू को वहीं पे रहने दिया तो टू डी एक्स अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ तक दोनों तरफ क्या ले लो, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा लिया दोनों तरफ, समाकलन का चिन्ह लगा लिया, भाई करना क्या है, हमें समाकलन तो करना है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो ये बराबर तो है ही इसके साथ ये डी वी, ये इसके साथ डी वी। अब इसका इसमें भाग दोगे v, v से v कट जाएगा, साइन v cos v क्या होता है tan v dv माइनस cos से cos कटेगा कितना बचेगा 1 अपॉन dv बराबर 2 dx अपॉन x। tan v dv माइनस 1 अपॉन v dv, तो tan v का क्या होता है भाई, tan x का क्या होता है log sec x, log sec v माइनस log v बराबर 2 log x प्लस log c। पूरे हमने क्या ले लिया, log के साथ हो गया, हमने क्या कांस्टेंट भी क्या ले लिया, log c ले लिया। इसमें क्या लगाओगे log a माइनस b वाली प्रॉपर्टी से, तो क्या लिख सकते हो log sec v अपॉन v बराबर ये 2 ऊपर उधर चला जाएगा तो इंटू में क्या लिख सकते हो log x स्क्वायर c, क्या लिख सकते हो log x स्क्वायर c, भैया 2 ऊपर चला जाएगा इसका x के साथ क्या हो जाएगा x स्क्वायर और c, और log a प्लस b क्या हो जाएगा log a इंटू b हो जाएगा। दोनों तरफ यदि एंटी log लोगे तो क्या आ जाएगा, एंटी log लोगे तो दोनों तरफ से क्या हट जाएगा, log हट जाएगा, तो sec v अपॉन v बराबर क्या लिख सकते हो x स्क्वायर c, क्या लिख सकते हो x स्क्वायर c, और v की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, v की जगह हम क्या लिख सकते हैं y अपॉन x, y अपॉन x, तो sec y अपॉन x अपॉन y अपॉन x x स्क्वायर c। इस y अपॉन x को इसके साथ ले लो तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y अपॉन x ये जाएगा, तो y अपॉन x इंटू x स्क्वायर प्लस सॉरी x स्क्वायर इंटू c, इस x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर y अपॉन x x y ये c। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका अभिष्टल आ गया, अवकल समीक मतलब जो हमें समघात अवकल समीकरण थी इसका, तो हमने निकाल लिया तो क्या ऐसा है कि स्क्वायर वाई अपॉन एक्स बराबर एक्स वाई सी, ये यहाँ जाएगा इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर देगा एक्स कट के, ठीक है। तो उतारो देखना है फर्स्ट सी का पहला क्वेश्चन जो आसान सा है लेकिन कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, डे वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई। पहले तो देखना है कि समघात है क्या भाई, देखो इसकी भी पावर टू इसकी भी पावर टू, इसकी वन दोनों को जोड़ के इसकी पावर कितनी हो गई टू, तो मतलब पूरा कितना घात का समघात फलन है, दो घात का समघात फलन हो गया, ठीक है। कितने घात का हो गया, दो घात का समघात फलन। तो क्या करोगे, वाई की जगह हमारे पास किस में दिया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हम क्या रख लेते हैं पुट y बराबर वी एक्स, तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, देखो यदि v बराबर निकालें, v बराबर हम रखेंगे तो क्या रखेंगे y अपॉन x रखेंगे v बराबर, यहाँ से निकालें इसका डिफ्रेंसिएसन तो क्या आएगा dy वाई अपॉन डी एक्स बराबर वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या dy वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या रखेंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, रखो यहाँ v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर की जगह क्या रखना है भाई, वाई की जगह क्या रखोगे वी एक्स
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर टू एक्स वी एक्स। ठीक है, देखना v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ऊपर वाली टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ, वन प्लस वी स्क्वायर। नीचे वाली टर्म में से भी क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कितना बचेगा, टू वी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास क्या बचेगा, वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू वी। इस v को कहाँ लेके जाऊँ मैं, इसके साथ, तो हमारे पास इधर कितना बच जाएगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू वी माइनस वी। ठीक है, यहाँ तक देखना आगे, डी वी अपॉन डी एक्स इधर तो चल ही रहा है ये वाला, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, क्या है, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर नीचे हमारे पास क्या आएगा, एल सी एम टू वी, तो वन प्लस वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर कितना आएगा, टू वी स्क्वायर इसके साथ आ गया, तो यहाँ बचेगा क्या, इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू वी। ठीक है, वी वाले पद एक साथ ले लो और एक्स वाले पद एक साथ, तो टू वी अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर, ये डी वी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा लो। ठीक है, दोनों तरफ क्या करना है भाई, हमें डी वी और डी एक्स हटाना है, तो क्या लगाएंगे, समाकलन का चिन्ह। ठीक है, अब ये क्या आ गया, टू हमारे पास ऊपर है क्या, देखो ये है टू वी डी वी अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, और ये डी एक्स अपॉन एक्स, इसका क्या करना है, समाकलन करना है। यदि हम इस वाले को कुछ मान लें तो ये कहाँ चला जाएगा, डी टी के साथ चला जाएगा। देखो यदि मानते हैं इसको, 1 माइनस वी स्क्वायर को हम यदि क्या मान लें, टी मान लें, तो देखना क्या आएगा, यदि इसका डिफरेंस इसका अवकलन करोगे तो 2v dv बराबर dt, क्या आएगा, माइनस 2v dv बराबर dt, और इसको क्या लेगा, माइनस को उधर ले लो इसके साथ, तो किस में चला जाएगा, माइनस dt के साथ चला जाएगा, तो क्या लिख सकते हो, माइनस dt अपॉन टी, माइनस dt अपॉन टी बराबर dx अपॉन ये एक्स, डी टी अपॉन टी का क्या हो जाएगा, लॉग टी। ठीक है, तो वो भी किसका, माइनस का, तो लॉग टी बराबर लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट क्या आएगा, लॉग सी ले लेते हैं। देखना आगे कि माइनस लॉग टी बराबर लॉग एक्स प्लस लॉग सी, भाई हमने क्या ले लिया, वन माइनस वी स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, तो माइनस टू वी डी वी किसके साथ चला गया, पूरा डी टी के साथ चला गया, लेकिन माइनस इसके साथ, माइनस हमने ले लिया डी टी अपॉन टी, इसका क्या होता है लॉग टी, और डी एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया, लॉग एक्स प्लस सी ले लिया। टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वन माइनस वी स्क्वायर रख लेते हैं, माइनस लॉग वन माइनस वी स्क्वायर लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है, और यदि हम वी की वैल्यू भी रखें, v की वैल्यू क्या है हमारे पास, भाई हमने y x अपॉन, मतलब क्या है v की वैल्यू, y अपॉन x, यानी y और x की फॉर्म में भी बनाना है, तो हमारे पास इसकी जगह क्या लिखोगे, माइनस log 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बराबर log x प्लस log c। ठीक है, यदि माइनस को इसके साथ ऊपर ले लें, इस माइनस को इसके साथ ऊपर ले लें, तो क्या लिख सकते हो, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन। ठीक है, और इसका इसमें प्रॉपर्टी लगा लें, क्या हो जाएगा, लॉग एक्स सी। अब यदि दोनों तरफ एंटी लॉग ले लोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन बराबर सी एक्स। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं, क्या आ जाएगा इसका, भाई अब अभिष्ट हल आ जाएगा, जो हमारी क्या दी हुई है, समघात अवकल समीकरण दी हुई है, उसका हमने क्या निकाल लिया, अभिष्ट हल निकाल लिया, कि हमारे पास क्या दो घात की क्या थी, द्विघात की क्या थी, अवकल समीकरण थी, जिसमें हमने क्या लिख लिया, हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में हो तो हमने वाई बराबर क्या लिख लिया, वी एक्स लिख लिया, और उसका जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या लिख सकते थे हम, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, वहाँ से आगे हमने सॉल्व किया है बस, कुछ नहीं। ठीक है, तो आगे की जो एग्जांपल, कुछ एक एग्जांपल है तुम करके देखिएगा, और कुछ सवाल हैं उनको भी करना, आसानी से हो जाएंगे, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि हमारा फंक्शन किस में दिया हुआ है, यदि डी एक्स अपॉन डी वाई में दिया हुआ है तो एक्स की जगह क्या लिख लोगे,
भाई जब x बरा डी, ये क्या दिया हुआ हो, डी एक्स अपॉन डी वाई दिया हुआ हो, तो x की जगह क्या लिख लोगे, वी वाई रखोगे बस, ठीक है, इतना सा ध्यान रखना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।